हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और गाइस, आजकल जितने भी सारे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ उस पर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ओप्पो का न्यूली लॉन्च वायरलेस TWS है, उसकी अनबॉक्सिंग कीजिए, जो है ओप्पो एनकोड W11। और गाइस, फाइनली हमने इसे यहाँ पर ऑर्डर किया है और इसे हम अनबॉक्स करने वाले हैं। गाइज, ये आपको मिल जाता है 2500 रुपीज़ की प्राइस में फ्लिपकार्ट पे। और क्या ये वर्थ है इस प्राइस रेंज पे? नहीं है वर्थ, हम अनबॉक्स करके पता लगाएंगे। और प्लस मैं इसका करने वाला हूँ गिव अवे, सो गिव अवे इंस्ट्रक्शंस आपको वीडियो के एंड में पता चलेंगे, तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। और अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो गाइज, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने मिलती है, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं दोनों भी TWS, नीचे की तरफ लिखा है ओप्पो एनकोड W11 ट्रू वायरलेस हेडफोन्स। और गाइज, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलते हैं बायन्यूरल सिमुलेशंस ब्लूटूथ ट्रांसमिशन। सो बेसिकली एक ब्लूटूथ डिवाइस आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं होता है, दोनों भी आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं। 20 आवर्स की बैटरी लाइफ, एनहांस बेस, नॉइस रिडक्शन ड्यूरिंग कॉल्स, IP55 रेटिंग, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस, जो बहुत ही बढ़िया बात है, मतलब डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस आपको देखने मिलता है। इंटेलिजेंट टच कंट्रोल। और यहाँ पे MRP है 3999 रुपीज़, बट ये आपको 2500 रुपीज़ की प्राइस में मिल रहा है करंटली फ्लिपकार्ट पे। और गाइस, जैसे हम इसे अनबॉक्स करते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ काफ़ी बढ़िया ग्लॉसी वाइट कलर में आपको देखने मिलते हैं वो हेडफोन्स। तो इसे फिलहाल हम रखते हैं साइड में। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है एक यूज़र मैनुअल, दो यूज़र मैनुअल्स है, मतलब वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल। उसके साथ ही यहाँ पे साइड में आपको देखने मिलता है नॉर्मल USB टू टाइप सी केबल। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखने मिलते हैं उसके कुछ ईयर टिप्स। सो गाइज, बस यही सारी चीज़ें आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलती है। सो गाइज, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ग्लॉसी वाइट फिनिश देखने मिलता है, ओप्पो की ब्रांडिंग देखने मिलती है, शायद आपको ना दिखे इतना ज़्यादा ग्लॉसी है ये। और यहाँ पे पीछे की तरफ प्लास्टिक रैप है। और गाइज, यहाँ पे पीछे की तरफ आपको इसके बैटरी स्पेसिफिकेशंस और कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस देखने मिलते हैं। तो इसकी बैटरी कैपेसिटी है 400 mAh की। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ आपको देखने मिलता है दोनों भी TWS, अंदर की तरफ काफ़ी बेसिक सा फिनिशिंग आपको देखने मिलता है। और गाइज, यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है LED लाइट इंडिकेटर। सो जैसे मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ चार्ज है, तो हमें इसे सबसे पहले चार्ज करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन TWS को। सो गाइज, यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं ये दोनों भी TWS, यहाँ पे राइट लेफ्ट का इंडिकेटर है, चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने मिलते हैं, LED लाइट इंडिकेटर। और दोनों भी TWS पे आपको इंडिविजुअल माइक्स देखने मिलते हैं, मतलब टोटल दो माइक्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। केस काफ़ी बेसिक से है, काफ़ी लाइट वेट है। और अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो सबसे पहले तो केस हम यहाँ पे चार्ज करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे फाइनली हमने इसे चार्ज किया, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट मैंने इसे चार्ज किया। और जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद आपको नहीं विजिबल होगा, एक ग्रीन कलर की LED लाइट आती है। और गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे ईयरबड्स पे कोई भी LED लाइट नहीं है इंडिकेट करती है, मतलब ये चार्ज हो रहे नहीं हो रहे। सो मुझे ये उसका ड्रॉबैक लगा, एटलीस्ट एक LED लाइट होनी चाहिए कि मतलब चार्ज हो रहे नहीं हो रहे। तो मेरे को पहले लगा कि मुझे फॉल्टी पीस रिसीव हुआ है, बट उसमें कोई LED लाइट ही नहीं है, मतलब जो इंडिकेट करेगा कि ये चार्ज हो रहे नहीं हो रहे। सो अभी हम इसे रिमूव करते हैं। और गाइज, रिमूव करने के बाद भी अगर आप ईयर में इसे मतलब प्लग इन करते हो तो एक इंडिकेटर आता है कि मतलब पावर ऑन, बट ऐसा इसमें कुछ भी नहीं। जैसे पेयर होता है अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स बाद ये पेयर होता है, और उसके बाद टी करके एक साउंड आता है, दैट्स इट। सो अभी हम इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे ओप्पो एनको W11 आ चुका है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ओके, और अभी हम सुनेंगे इसमें कुछ सॉन्ग्स। बट गाइस, सॉन्ग्स सुनने से पहले यहाँ पे मैं आपको इसके टच कंट्रोल्स बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे यूट्यूब पे, और यहाँ पे कोई भी एक म्यूज़िक मैं प्ले करके आपको बताऊँगा एक्जैक्टली टच कंट्रोल क्या क्या होते हैं इसमें। सो गाइस, यहाँ पे एक म्यूज़िक टर्न ऑन है, और जैसे ही मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो म्यूज़िक है वो पॉज हो चुका है, और जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ ये प्ले होता है। सो ये है लेफ्ट ईयरबड का, और सिमिलर आप कर सकते हो राइट ईयरबड से। सो राइट और लेफ्ट दोनों से भी आप प्ले पॉज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, मतलब अगर आप लेफ्ट ईयरबड को प्रेस करके रख रहे हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे कम हो रहा है, और अगर आप राइट वाले ईयरबड को प्रेस करके रख रहे हो यहाँ पे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो गाइज, ये फंक्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब आप कॉल रिसीव तो कर सकते हो, प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और वॉल्यूम रिड्यूस भी कर सकते हो इनकी हेल्प से। और अभी हम सुनेंगे इसकी साउंड क्वालिटी कैसे लगी, एग्जैक्टली साउंड क्वालिटी फिटिंग कैसी है, और हम कॉल भी यहाँ पे प्लेस करेंगे, देखेंगे एग्जैक्टली कॉल कॉन्वर्सेशन कैसे होता है, क्योंकि ये लोग क्लेम कर रहे हैं इसमें आपको कॉल कॉन्वर्सेशन पे नॉइस कैंसिलिंग का ऑप्शन देखने मिलता है, जो बेसिकली डिजिटल नॉइस कैंसिलिंग है, दैट्स इट। सो लेट्स टेस्ट इट आउट।
सो जैसे ही मैं इसे वेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फिटिंग मुझे लग रही है यहाँ पे। और गाइस अगर फिटिंग वाइज बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया फिटिंग है, और बैकग्राउंड का जो नॉइस है वो थोड़ा बहुत कम होता है। यहाँ पे कोई भी नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, सिर्फ ये वैक्यूम टाइप ईयरबड्स है उसके लिए बैकग्राउंड का नॉइस थोड़ा बहुत कम है। सो अभी हम इसमें म्यूज़िक सुनते हैं। तो गाइस अभी हम इसमें एक कॉल कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो कॉल यहाँ पे प्लेस किया है मैंने। हाँ सर जी, बस मेरे को एक बात बताओ, आपको आवाज़ कैसी आ रही है? आपको ही कॉल करते हैं हम यूट्यूब पे साउंड टेस्ट के लिए। क्लियर? कोई मतलब ऐसे कुछ फ़ोन से बात कर रहा हो या किसी हेडफोन से बात कर रहा हो, कुछ समझ में? बहुत क्लियर है ना? चलेगा चलेगा, ठीक है, ओके ओके। सो गाइस जैसे हमने सुनी इसकी साउंड क्वालिटी, सबसे पहले मैं साउंड क्वालिटी की बात करूंगा। साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मुझे यहाँ पे लगी। टच कंट्रोल्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही थी। फिटिंग वाइज भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइस फिर हम बात करेंगे कॉल कॉन्वर्सेशन की, तो कॉल कॉन्वर्सेशन यहाँ पे काफ़ी बढ़िया हुआ। मतलब सामने वाला पर्सन तो बोल रहा था कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर साउंड यहाँ पे रिसेप्शन है। मतलब इसका जो डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन है कॉल कॉन्वर्सेशन के लिए वो काफ़ी बढ़िया है। और गाइस ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो गाइस आउटडोर में भी हम इसे अभी टेस्ट करेंगे और देखेंगे एग्जैक्टली कैसे कॉल कॉन्वर्सेशन होता है आउटडोर में। दोस्तों जैसे आपने देखा इस Oppo Enco W11 का अनबॉक्सिंग, इनिशियल इंप्रेशन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सुपर है। टाइप सी पोर्ट आपको देखने मिलता है, बहुत ही बढ़िया बात है। माइक्रो एस बी केबल कैरी करने की आपको ज़रूरत नहीं, आजकल सारे फ़ोन टाइप सी आते हैं। उसके बाद मुझे एक इसमें ड्रॉबैक यही लगा कि दोनों भी इंडिविजुअल ईयरबड्स पे आपको LED लाइट इंडिकेटर देखने नहीं मिलता है, और जो बाकी कॉम्पिटिटिव जो भी ईयरबड्स है TWS है उसमें आपको देखने मिलता है। और उसके अलावा जैसे आप इसे केस से रिमूव करते हो, पेयरिंग के लिए एटलीस्ट 20-30 सेकेंड्स लगते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टाइम है पेयरिंग के लिए। हालांकि इसमें बाइन्यूरल सिमुलेशन इंक्लूड है, शायद उसके लिए पेयरिंग में ज़्यादा टाइम लगता होगा। साउंड क्वालिटी की बात करें, साउंड क्वालिटी काफ़ी सुपर है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी बढ़िया साउंड क्वालिटी है। बेस इसके काफ़ी अच्छा है, वोकल्स काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसमें ऐप कनेक्टिविटी आपको देखने नहीं मिलती है। ओप्पो के फ़ोन के साथ भी इसमें ऐप कनेक्टिविटी आपको नहीं मिलेगी। इक्वलाइज़र का फंक्शन भी नहीं अवेलेबल है। सो ये बेसिक से TWS से आप कंपेयर कर सकते हो इसे रेडमी की ईयरबड्स एस से या फिर रियलमी के बड्स क्यू के साथ। सो रियलमी बड्स क्यू में आपको ऐप कनेक्टिविटी देखने मिलता है, जो आपको इसमें देखने नहीं मिलता है। बट गाइज इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है। गेमिंग वाइज भी इसकी लेटेंसी काफ़ी कम है। 40 mAh की दोनों भी इंडिविजुअल बड्स में आपको बैटरी देखने मिलती है, मतलब कंटिन्यूस 5 hours तक आप इसे यूज़ कर सकते हो 80% वॉल्यूम पे, और केस के साथ 20 hours तक आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो बैटरी लाइफ काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल फील काफ़ी अच्छा है। बस गाइज मुझे ये लगा कि इसकी प्राइसिंग 2000 rupees होनी चाहिए थी, ना कि 2500। बस यही एक ड्रॉबैक लगा, बाकी गाइज ओवरऑल ये काफ़ी बढ़िया है। और गाइज अगर आपको कुछ न्यू डिज़ाइन में चाहिए तो आप इसके लिए जा सकते हो, काफ़ी बढ़िया गुड लुकिंग है। और अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप इन्हें परचेस कर सकते हो। सो गाइज अभी हम आते हैं गिव अवे की तरफ। सो इसे जीतने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मतलब आपको मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है। सो गाइज ये टाइम का इंस्ट्रक्शन है कि आपको मुझे ट्विटर पे फॉलो करना है। इस वीडियो को तो लाइक करके इसके नीचे कमेंट करना है, वो तो बट ऑब्वियस है, बट उसके अलावा आपको लाइक करना है, फॉलो करना है मेरा ट्विटर का पेज। उसके अंदर एक पोस्ट रहेगा इसका, ओप्पो Enco W11 का, उसे लाइक करके उसके नीचे कमेंट करना है आपको। और जो सबसे बढ़िया कमेंट होगा उसे हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और उसे ही मिलेगा ओप्पो का ये Enco W11। तो गाइज रुके क्यों हो, जल्दी से जल्दी जाइए ट्विटर पेज पे टेक अनबॉक्सिंग के, फॉलो कीजिए, इस पोस्ट को लाइक कीजिए, इसके नीचे बहुत ही बढ़िया सा कमेंट ड्रॉप कीजिए। और गाइज इसके जितने भी सारे गिव अवे इंस्ट्रक्शन है, कब लाइव आऊँगा कब नहीं आऊँगा, सारे ट्विटर पे ही अनाउंस होंगे गाइज, इंस्टा पे नहीं होंगे ना यूट्यूब पे होंगे। यूट्यूब पे लाइव गिव अवे करूँगा, बट गाइज कमेंट करना है ट्विटर पे, फॉलो करना है ट्विटर पे। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मतलब फॉलो ही नहीं करते और कमेंट कर रहे, तो उनको ये नहीं मिलने वाला। कमेंट अच्छा करना है, कोई इमोजी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, जो लास्ट टाइम गलती हुई मेरी से, मतलब इमोजी का मैंने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, तो इमोजी के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा। बहुत ही बढ़िया कमेंट रहेगा उसे ही ये मिलेगा। तो जाइए फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी करना कीजिए, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और बस यही था आज का ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।